सरकार ने मध्याह्न भोजन योजना चलाई है ताकि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण पौष्टिक भोजन मिल सके। परंतु बहुत अफसोस की बात है कि सिद्धार्थनगर जनपद के डुमरियागंज ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पुरैना में लक्ष्मी सहित 116 बच्चों को गुणवत्ता विहीन भोजन मिल रहा था। बैगन का आलू और बैगन और नहीं उसमें कुछ मिलाया गया था। भोजन में आलू बैगन की सब्जी बनी थी और चावल बना और दूध वितरण हुआ था। तो बच्चों का कहना था कि वो जो परवर का उसमें परवर भी आया था लेकिन परवर खराब होने की वजह से नहीं बनाया गया उसमें डाल के, ऐसा है क्या? हाँ तो जो परवल आई थी थोड़ा सा पीली हो गई थी, उसको निकलवा के रखवा दिया गया था, इसलिए उसको नहीं डाला गया परवल। आलू और बैगन की सब्जी बनी उल्टी खराब है, एक दिन सब्जी में कमी आई गई रहा तो पर आए जांच करे तो पर फिर प्रधान का बोलाए तो प्रधान कहे अब जो हो गए गलती हो गई माफ़ करो, अब अंदर ना ऐसा हो, अब सब्जी कुल सही आई। दूध आवत रहा तो हमारे सब सोचन कि लड़कियन का ज़्यादा है तो पानी मिलाई दी, तो हम सब कहने से पानी मिलाई दिया के हो तो हमारे दुई तीन आवत रहा तो वही से हमारे दूध में ज़्यादा पानी छोड़ दिया रहे। और बच्चों का कहना कि दूध में आधा पानी और आधा दूध मिला के दिया जाता, और रसोईया भी कह रही हैं, आपका क्या कहना है? दूध की उपलब्धता कम होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा पानी मिला के इसमें चीनी वीनी मिला के दे दिया जाता है। कभी कभी तो एक तो नया गैस सिलेंडर आया है जिससे थोड़ा जो रसोइयाँ अभी पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं हैं गैस वैस जलाने में, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई है, लेकिन वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। पहले से ये भय रहा कि इंक्वायरी की ना तो कहीं ना कि ऐसे ऐसे कैसे सब्जी आवत है तो कहीं गलती हो गए, अब ना ही ऐसा परवर एक दिन आया रहा खराब और ना ही आ रहा तो वही से इंक्वायरी हो गया आई ने तो कहीं कि अब ऐसा सब्जी ना ही आई गलती हो गए भूल से आई गया है तो वही से कुल बवाल भय तो कहीं अब ना ऐसा ना अब सही सही सब्जी आई सही सही लड़के खाई है थी मतलब सही से हो रहा। हाँ अब सही से काम कुल हुआ था, खाना पानी लड़के बच्चन का सबका इंतजाम से होता। क्या सब्जी बना है? आलू और सोयाबीन और फिर का देगा तो ये सब कैसा रहा? नीक रहा। नीक रहा। जैसे आप लोग खुश हो? यह बदलाव मैं अपने कैमरे के दम पर ला पाया। मैं परमजीत सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।